हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वी ओ लम्हे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में देखिए कि अब तक सुकृति कनपल ने किन किन हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया है। सुकृति ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2007 से की थी। 2007 में सुकृति ने डेब्यू किया जर्सी नंबर 10 सीरियल से, जिसमें उन्होंने साक्षी का किरदार निभाया था, जिसके बाद 2008 में स्टारन के शो फिर कोई है में नजर आई थी। इस शो में सुकृति ने एपिसोडिक रोल किए थे। इस शो में सुकृति ने रिंकी और सुमी का किरदार निभाया था, जिसके बाद 2008 से लेकर 2009 तक लीड रोल किया स्टार वन के मोस्ट पॉपुलर शो दिल मिल गए में, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रिधिमा गुप्ता का किरदार निभाया था। फिर 2009 से लेकर 2010 तक काम किया जी टीवी के शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में, जिसमें उन्होंने सिद्धेश्वरी का किरदार निभाया था। फिर 2010 से लेकर 2011 तक काम किया स्टार वन के शो प्यार की एक कहानी में, जिसमें उन्होंने पिया का किरदार निभाया था। फिर 2012 में काम किया जी टीवी के शो रब से सोना इश्क में। इस शो में सुकृति ने जसबीर और जास का किरदार निभाया था। फिर 2012 में ही हमने लिए शपथ में काम किया था। इस शो में सुकृति ने मोनिशा, लीना, सोनिया और बिंदिया का किरदार निभाया था। फिर 2013 से लेकर 2014 तक लीड रोल किया लाइफ ओके के शो कैसा ये इश्क है अजब सा इश्क है में। इस शो में सुकृति ने सिमरन यानी सिमी खन्ना का किरदार निभाया था। फिर 2015 में लीड रोल किया एन टीवी के शो दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स में। इस शो में सुकृति ने देवजानी यानी डब्बू ठाकुर का किरदार निभाया था। फिर 2016 में एन टीवी के ही शो डर सबको लगता है में एपिसोडिक रोल किया था, जिसमें उन्होंने रश्मि का किरदार निभाया था। फिर 2016 में ही जी टीवी के शो टशने इश्क में काम किया था। इस शो में सुकृति ने कैमियो रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने रज्जो का किरदार निभाया था। फिर 2017 में लीड रोल किया जी टीवी के ही शो काला टीका में। इस शो में सुकृति ने नैना चौधरी का किरदार निभाया था। फिर 2019 में स्टार भारत के शो सावधान इंडिया में काम किया था। इस शो में सुकृति ने सौंदर्या का किरदार निभाया था। फिर 2020 में सोनी टीवी के शो स्टोरी 9 मंथ की में लीड रोल किया है। इस शो में सुकृति ने आलिया श्रॉफ का किरदार निभाया है। तो ये थे अब तक के सुकृति कनपल के टीवी सीरियल्स। इनमें से कौन सा सीरियल आया आपको सबसे ज़्यादा पसंद, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी ऐसे ही नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।